Good morning, everyone. Good morning, Prisha Shetty. Good morning, sir. Okay, let's Anisha start once again. Tell immediate problem kar raha tha. Usme kya tha? I'm going to explain. I'm going to ask. There were 27 drops. Kitne 27. Ye sab aapas mein milke taka tak taka to ek single drop ban jati. Na matlab kitna work hua? Kitna work hua? All right. It will be gain of energy, not loss of energy. Yahan pe hum log aise work nahi kar rahe. Work apne aap ho jata hai aur ek drop ban jata. So that is what we have to do. We have been given surface tension. You have been given surface tension. So size drop make a drop banti hai. That is what is the question. Alright. So mujhe kaun batayega? Ushna, mujhe problem batao kya hai? Ushna? Yes, sir. Yes. Ushna, problem kya hai? There are 27 droplets. Huh? And each has radius of 0.1 millimeter. Right. We have to find the change in surface. Where to find? We have to find the work then when they coalesce together. So V1 will be N into 4 upon 3 pi chota r cube equal to 1. Ek hi drop bante hai na, to 1 into 4 upon 3 pi bada r cube. Ye jo badi drop bane uski radius kitni hai humko pata nahi hai. To 4 upon 3 pi, 4 upon 3 pi gets cancelled. N kitna hai? 27. R kitna hai? 0.1 millimeter. So 0.1 raised to 3 equal to capital R cube. Taking cube root on both the sides. Therefore, capital R cube will be अच्छा क्यूब रूट ले लेते तो आर थ्री के बदले 27 के बदले 3 और पॉइंट के बदले दैट इज 0.3 मिलीमीटर बोला हमको एक पता चल गया कि इसकी रेडियस है ना इसके 0.3 टेन 0.1 मिलीमीटर 27 ड्रॉप का एक ड्रॉप बना तो उसकी रेडियस 0.3 एम मिलीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं हुसैन दागीना वाला वैष्णवी ओनली 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 10 रेज टू -3 मीटर दैट्स लवली आंसर बहुत अच्छा आंसर है और वेयर इज दागीना दागीना आया नहीं अभी तक ओके सो दिस विल बी 10 रेज टू -4 मीटर एंड दिस विल बी 3 इनटू 10 रेज टू -4 मीटर क्योंकि पॉइंट हटा दिया मैंने उस जगह वर्क डन का फॉर्मूला क्या है 4 पाई टी एन आर मैंने बोला ये फॉर्मूला लर्न बाय हार्ट कर लो राइट दैट इज 4 इनटू पाई के बदले 3.14 टी के बदले 0.072 यानी 72 इनटू 10 रेस टू -3 लेट अस सी इधर रख देता हूं एन यानी 27 इनटू 10 raised to -4 का स्क्वायर विल बिकम 10 raised to -8 माइनस आर स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर 9 ओके तो जिसको सिंपलीफाई कर रहे हैं एंड यू गेट सम आंसर इन जूल्स आंसर आता है 1.629 इनटू 10 raised to -7 Hello, Gupta, are you there? Hello, Gupta, are you there or no? Yes, sir.
तुम्हारा वीडियो क्यों बंद था? तो चालू तो है, अभी चालू हुआ है। ओके देखो एक बार रूलर मार देता हूं। ट्रांसपेरेंट होता है ना तो दिखता नहीं है। ट्रांसपेरेंट ये देखो प्रॉब्लम ये था कि 27 ड्रॉप एक बार 0.1 मिलीमीटर वाली मिली और एक ड्रॉप वाली तो कितना और सरफेस टेंशन दिया और वह कुछ है। तो पहले वॉल्यूम ऑफ 27 ड्रॉप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन सिंगल ड्रॉप। तो n into 4 upon 3 pi छोटा r क्यूब इक्वल टू 1 into 4 upon 3 pi बड़ा r क्यूब। n is 27 छोटा r is 0.1 मिलीमीटर क्यूब इक्वल टू बड़ा r क्यूब। तो के टेकिंग क्यूब रूट्स ऑन बोथ साइड 27 का क्यूब रूट 3.1 क्यूब का क्यूब रूट 0.1 0.3 मिलीमीटर दैट इज 3 × 10⁻⁴ मीटर। वर्क देन का ये फार्मूला 4 pi t के बदले मैंने क्या लिखा 72 × 10⁻³ n 27 ड्रॉप थे r स्क्वायर −4 का स्क्वायर 10⁻⁸ माइनस बड़े r का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 −10⁻⁹ इसको सिंपलीफाई गेट दिस आंसर। ओके 88 के बाद हम लोग करेंगे 89। 89 मैं रीड करूंगा तो आपको पता चलेगा स्टार्ट क्या है। ये तो स्टार्ट बदल रहा है ऐसा लग रहा है मुझको। कैलकुलेट द सरफेस एनर्जी ऑफ स्फेरिकल मर्क्यूरी ड्रॉप है। कैलकुलेट द सरफेस एनर्जी ऑफ ऐसा मिला प्रॉब्लम किसी को? बच्चे लोग आसिफ हाँ सर कैलकुलेट द सरफेस एनर्जी ऑफ अ स्फेरिकल मर्क्यूरी ड्रॉप ऑफ इट। मेरे में 89 है। ओके देखो रेडियस 0.1 मीटर मर्क्यूरी ड्रॉप ऑफ रेडियस ड्यू टू सल्फर। ओके आर वन के बारे में कुछ नहीं बोला था, वी कैन टेक आर वन इज जीरो एंड आर टू के बारे में बोला गया है कि इट इज 0.01 मीटर यानी कि 10⁻² मीटर। सरफेस टेंशन 0.46 न्यूटन पर मीटर। सरफेस एनर्जी यानी वर्क एंड दिस इज व्हाट ड्रॉप। देखो मैं एक बात बताता हूँ, कभी कभी एक ड्रॉप की इनिशियल रेडियस देते हैं वो लोग और फाइनल रेडियस देते हैं और पूछते वन गन वन गन तो ए वन ए टू दोनों दिया हुआ है। लेकिन अगर सिर्फ बोले कि फ्रॉम दिस टू दिस फ्रॉम दिस टू स्ट्रेट तो आर वन इज जीरो एंड आर टू इज सो मच। तो यहाँ पे ए वन भी जीरो, यहाँ पे पूछा है वर्क डन कितना होगा ड्रॉप का। अगर रेडियस डायरेक्टली इतना कर दे मतलब पहले रेडियस जीरो तो व्हाट इज वर्क डन का फॉर्मूला? वर्क डन का फॉर्मूला विल बी टोल्ड टू मुझे रोशनी। रोशनी वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? सरफेस टेंशन इनटू एरिया ऑफ 2 माइनस एरिया ऑफ 1 दैट इज राइट। अच्छा तुम कौन से कॉलेज में हो तुम? रोशनी आप कौन से कॉलेज में है? जय हिंद। सोफियाज में और कौन है सोफियाज में अपने क्लास से? कोने ने सर। बस कोने नहीं है, उसकी एग्जाम कब खत्म हो रही है? इफ यू हैव एनी आइडिया? नो सर। तो आई नहीं रही है, ओके एग्जाम चल रही थी बोली थी। ओके ठीक है तो दैट इज इक्वल टू टी ए टू विल बी 4 पाई क्योंकि ड्रॉप है ना, अगर बबल होता तो 8 पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। दैट इज 4 इनटू 3.14 इनटू टी 0.46 आर टू स्क्वायर 10⁻⁴ −0 very simple and this will get the answer 5.78 × 10⁻⁴ joules.
ये तो एकदम इजी प्रॉब्लम है, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट सच प्रॉब्लम. अब मुझे एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला चाहिए. Give me excess pressure for drop. And excess pressure for bubble. Are Alok Gupta, dono ka formula bol. Alok Gupta, for drop, excess pressure kya hai? Nahi aata to naam bol, mujhe yaad nahi hai. Sir, 2T upon R, sir. That's right. And what about for bubble? So 40 upon R. Very good answer. Bahut achha answer hai. Alok, I am happy with you. Very good. Abhi agla problem jo ki hai, problem number 91. What should be diameter of a water drop? Mila aapko? What should be diameter of a water drop? Mila kya? Haan sir, mila. Mila, mila. Kya number hai? 91. Read karo. What should be the diameter of a water drop so that the excess pressure inside it is 18 newton per meter square? Drop. Excess pressure is given to be 80 newton per meter square. And we'll find the diameter. D. Surface tension has been given. भार्गेश, तुमने दो चीजें चालू की हैं. भार्गेश, हाँ यस सर, सब एक दूसरा के बाद. ओके, कितना इजी प्रॉब्लम है. फॉर ड्रॉप व्हाट इज द फॉर्मूला? अभी आलोक गुप्ता ने मस्त फॉर्मूला दिया. पी आई माइनस पी जीरो, ड्रॉप है तो 2t बाय आर. व्हाट इज पी आई माइनस पी जीरो? 80. 2 इंटू सर्फेस टेंशन कितना है? 7.27. सो आर का आंसर होगा 14.27 upon 80. And very simply for this, the radius ka answer aata hai 1.817 into 10 raised to therefore diameter will be 2 R. Kitna easy hai, you know. And that is equal to 18.36. ये रहा आंसर आपके सामने. एकदम इजी है प्रॉब्लम, वेरी इजी. विधि, आर यू देयर? विधि, विधि भट्ट, यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग? यस सर. ओके, चलो इसके बाद आई विल डू अ प्रॉब्लम
in my book, it is 94. What is the pressure inside the drop of mercury? 94 है. तुम्हारे में कौन सा है? जीतू. 94. चलो. So, what is the pressure inside the drop of mercury of radius 3 mm at room temperature? Surface tension of a mercury at temperature 20 degrees Celsius is 4.65 into 10 raised to minus 1 Newton meter minus. Go on copying. I explain. I am going to ask you the problem. किसी को भी कुछ का problem बताना पड़ेगा. Okay, I am going to ask you the problem. पहले समझ लो. देखो, एक थी मर्क्यूरी ड्रॉप, उसकी रेडियस दी हुई है. No need to speak the value. इसका सरफेस टेंशन दिया हुआ है. इवन एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है. हमको पूछा है, what is the pressure inside the mercury drop? आसिफ प्रॉब्लम बता. आसिफ रजा. Yes, sir. So there is one spherical drop. We are given the radius, surface tension, and the pressure. We have to find the pressure inside. That is right. Bahut achha answer hai. Bahut achha answer hai. What is the formula for drop? Pi minus P zero. Vaishnavi, mujhe problem ka iska answer bata. 2D upon R. That is right. It's khatam. Therefore, what is Pi? Ten is to five plus two into what is surface tension? 4.65. A radius. Or this is simplified. You will get the answer. Yes, sir. Yes, sir. This answer is 1.0131. Bas itna sa farak hai. Pascal and Newton per meter square, both are same. Ah, ek copy kar liya. Hum ab isko mitaye de rahe hain. Okay, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे. I would like to do problem 96. Water rises to. Jitu, is this the same? 96. हाँ sir, same है. Okay, 96 read करो. Water rises to a height 3.2 centimeter in a glass capillary tube. Find the height to which the same water will rise in another glass capillary having the half area of cross section. देखो, मैं problem बता रहा हूँ. I'm going to ask. सुनो ध्यान से problem क्या था. एक थी glass capillary tube. उसको पानी में डाला. 3.2 millimeter ऊपर चल गई. कितनी चढ़ गई?
3.2 मिलीमीटर राइट दैट इज एच वन. फिर हम लोग एक नई ग्लास कैबिनेट डाल रहे जिसका एरिया आधा था, मतलब पतली या मोटी, इससे पतली या इससे मोटी. नई वाली जो दूसरी कैबिनेट ट्यूब थी वो उसका एरिया आधा था पहले वाली से, तो इट इज पतली और मोटी. सो पतली. पतली दैट इज राइट. तो वो लोग बोलते हैं ये जो एरिया आधा वाला लिखा है तो उसके अंदर कितनी ऊंचाई तक जावेगा पानी, कितना ऊंचा जावेगा सेम पानी के अंदर ड्रॉप उसको डुबाया है. इज द प्रॉब्लम क्लियर? Problem clear to everyone? Vaishnavi, problem bata. Vaishnavi. Sir, एक capillary tube थी उसको पानी में डाला तो उसका वो पानी rise होके 3.2 तक rise हुआ. बाद में next capillary tube ली और वो थी half of the first capillary tube. उसको भी deep clear तो वो rise. Half क्या था? एक मिनट, half क्या था? Half area या half height या half? Half area. That is right. Lovely. बहुत अच्छा answer है. Vaishnavi, you are too good. बहुत अच्छा. Beautiful answer. अबे ना, मुझे बताओ, it is given to us A2 equal to half equal. What is the area for capillary tube? ऊपर circle रहता है तो pi R2 square equal to half pi R1 square. Pi pi cancel. So R2 will be R1 by root 2. All right. अभी extra formula मुझे बतावेगा आलोक गुप्ता. आलोक गुप्ता, height by which capillary rise or fall, क्या formula बोल? आलोक गुप्ता. हाँ, yes sir. Extra formula बोल. So 2t cos theta upon r density g. That's lovely answer. बहुत अच्छा answer. I'm so happy. Rho, इसको rho को मतलब density को rho पढ़ने का rho. Alright, that symbol is very good. बहुत अच्छा answer. Therefore, H का relation R के साथ क्या है? Inversely proportional. देखो बाकी सब तो कुछ बोला ही नहीं है तो H और R का basically ध्यान रखना है. And therefore, till we can say H2 by H1 equal to क्या लिखूं बोलो? R2 by R1 या R1 by R2? Ohm. Ohm. Yes, sir. क्या लिखूं? To, ये देखो यहाँ देख के बोलो यहाँ पे H2 by H1. H2. R1, R2. That is right. अगर directly होता तो R2 by R1 लिखते थे. Okay. And therefore, H2 equal to H1 कितना दिया है? लिखते करना value 3.2. R1 by R2. R1 by R2 will be root 2. Yani 1.414. And that answer works out to 4.525. Millimeter होना चाहिए. उसका गलत है. Printing mistake है. Yum लिखना. Yum, not CM. So we have height in centimeter. मेरे इसमें हाँ सेंटीमीटर ही है. मैंने मिलीमीटर क्यों लिखा? You are right. Absolutely right. Om, I am happy. बस ऐसे बीच-बीच में बोलते रहो. मजा आता है क्लास लेने का. लेकिन आज बहुत लोग एब्सेंट हैं. अपीयर्स हुसैन दागीना नहीं है, फिर कोनेन नहीं है, और कौन कौन नहीं है? कैन यू पॉइंट आउट? जीतू जीतू डबल है. भार्गेश भी नहीं लिख दिख रहा है मेरे को अभी. भार्गेश आर यू देयर? भार्गेश, ओ भार्गेश इज ऑल्सो नॉट देयर. चलो ओके.
मुझे इतना बताओ मैथमेटिकल नॉलेज, मैथ्स का नॉलेज पूछ रहा हूं, cos थीटा पॉजिटिव कब होता है? इफ cos थीटा इज पॉजिटिव देन थीटा इज, एंड इफ cos थीटा इज नेगेटिव then theta is. Anybody can fill up this theta is y dash? Anyone? Anyone? Positive, positive. Theta is only positive. Hota hai. Cos theta agar positive hai, aur cos theta negative, theta kya hai? Anyone whose maths is very good? मैथ किसका अच्छा है पिछला? आफीफ, आफीफ, यस सर, क्या लगता है इफ cos थीटा इज पॉजिटिव थीटा इज इन थीटा इज एंड थीटा इज सर आई डोंट नो यू डोंट नो ओके आई गिव हिंट थीटा इज पॉजिटिव यू नो ऑल सिल्वर टीकप्स चलो हिंट देता हूं हिंट ऑल सिल्वर एंड कॉन्ट्रा हां क्या सर फर्स्ट वन विल बी द फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ और फर्स्ट का यहां पे लिख लेना थीटा इज एक्यूट ये लिख के रखो एंड थीटा इज ऑब्ट्यूस ये लिखो कहीं पे मैथ्स का नॉलेज है ये यू शुड नो बाय मैथमेटिक्स लिखा इसको कहीं पे टॉप पे लिखा हैव यू रिटन दिस बोलो बोलो ओके Now let us do problem 98. 98 जो मेरे अंदर है वो ऐसा है पेपिलर ट्यूब ऑफ रेडियस 5 ऐसा कुछ है जिंदू सेम तो रीड करो आसिफ आप रीड करो बेटा 98 कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 5 टू 10 रेस टू नेगेटिव 4 मीटर इज इमर्स्ड इन अ बीकर फिल्ड विद मर्क्यूरी The mercury level inside the tube is found to be 8 into 10 raised to negative 3 meter below the level of the reservoir. Determine the angle of contact between the mercury and glass. Surface tension of mercury is 0.465 newton per meter and its density is 13.6 into 10 raised to 3 kilogram per meter cube. यहाँ पे मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक छोड़ी है हु विल पिक अप दैट मिस्टेक एक बार क्या हुआ एक कैपिलरी ट्यूब की रेडियस दी गई है उसके मर्क्यूरी के अंदर क्यों डाला तो मर्क्यूरी नीचे चले गई कितना 8 × 10⁻³ मीटर सरफेस टेंशन डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आर गिवन दे आर आस्किंग व्हाट मस्ट बी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट व्हाट मस्ट बी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्या मिस्टेक छोड़ी है एनीवन सर अगर वाटर फॉल हुआ है तो फिर एच नेगेटिव होना चाहिए माय गॉड वाटर नहीं है मर्क्यूरी है बेटा वाटर नहीं है वाटर तो हमेशा राइज होता है मर्क्यूरी तो ये बहुत अच्छा आंसर है बाप रे किसका किसकी आवाज थी है हु इज दिस आसिफ आवाज आसिफ बहुत अच्छा आसिफ बहुत प्यारा आंसर है दिस माइनस इज वेरी इंपॉर्टेंट So cos theta will come negative, theta will be obtuse. और हमने हमको पता है कि angle between water and glass is acute, but angle between water and mercury is obtuse. ये हमें पता है जी. ये बहुत important बात है. तो formula H का formula लिखो बाहर गए सारी देर. ये धीरे-धीरे कम हो रहे हैं बच्चे. जी तो दो है इसके बावजूद 13. मैं दो हूँ. तो
जीतू कौन कौन एब्सेंट है जीतू सर मार्च भी शायद तक सर एब्सेंट है हाँ मार्च भी एब्सेंट है और सर हुसैन मार्च हुसैन कौनन तीन और सर भार्गेश भार्गेश और सर मुर्तुजा मुर्तुजा हाँ क्या हुआ आज लाइक दिस एकदम सुबह सुबह जल्दी भी लेक्चर नहीं है इट इज सो लेट माइनस माइनस लिखना बहुत जरूरी है सो दैट कॉस थीटा विल कम नेगेटिव छोटा आर 5 × 10⁻⁴ इंटू डेंसिटी 13.6 × 10�³ जी 9.8 upon 2 into t is 0.465 and cos theta works out to minus minus was important right? minus 0.5732 and therefore cos of 180 minus theta And that works out to 55 degrees 2 minutes. मेरे को तो ये मालूम है कि ये सब्ट्रैक्ट करना ही नहीं आता होगा आप लोगों को हाउ टू सब्ट्रैक्ट दिस आई एम वेरी डाउटफुल किसी को ये आता होगा हाउ टू डू सिंपल सब्ट्रैक्शन ऑफ 180 डिग्रीज माइनस 55 डिग्रीज 2 मिनट्स आता है सभी को यस सर कैसे सर 1 डिग्री इज सर 1 डिग्री इज 60 मिनट्स सो वी हैव टू चेंज द मिनट्स एंड वी कैन सब्ट्रैक्ट मतलब व्हाट टू डू जस्ट टेल मी हियर स्टेप बता That is equal to क्या लिखूं? 180 degrees minus 55 degrees 2 minutes. अगला step बता अभी. इतना तो मैं तो पता है. इसके बाद तो क्या लिखूं? Sir, 1 degree is 60 minutes. So 1 degree 60 minutes. चल लिखा. फिर इसके बाद? Okay. इसके बाद क्या करूं? How to get this answer? 124 degrees 58 minutes. Sir, two minutes is 1/30 degrees. So you are making it complicated. Very dangerous, brother. Can I write this is 179 degrees plus 1 degree minus 55 degrees 2 minutes. Karan, this is 179 degrees 60 minutes minus 55 degrees 2 minutes. Khatam ho gaya here answer. That is 58 minutes or 124. Copy karo isko. I don't like this. Afif, you are making it too complicated. 180 degree ko 179 degrees 60 minute lake. Aur fir subtract kar de. Don't you agree, Afif? Yes, sir. Ah, this is much better. You were making it by 60, bap re. It would become dangerous. When a ratio come, I don't like. I prefer addition subtraction, not the ratio. Division karne mein achha nahi lagta mere ko. Tum logo ko division achha lagta hai kya? No, sir. That is what.
मुझे पता था ये काफी बच्चों को नहीं मालूम होगा हाउ टू सब्ट्रैक्ट. मिटा दूं एक बार रूलर मारूं क्या रूलर. देखो एच तो निगेटिव मालूम पड़ गया कि निगेटिव क्योंकि फॉल्स हमें एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट पूछा था. एच का ये था फॉर्मूला फिर कॉस थीटा में इससे डाया तो ये फॉर्मूला इसके अंदर वैल्यू सब्ट्रैक्ट के निगेटिव रखना बहुत जरूरी है बिकॉज कॉस थीटा का निगेटिव देन ओनली थीटा विल बी ऑप्टिमम. तो माइनस यहाँ पे रखा बाकी सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट की मैंने देखो एच के बदले माइनस एट इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री आर के बदले फाइव इंटू टेन रेस टू माइनस फोर तो इधर माइनस थ्री माइनस फोर किया 13.6 इंटू टेन रेस टू थ्री तो यहाँ पे प्लस थ्री किया जी 9.8 किया तो ये आंसर आया. फिर मैंने मैथमेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक अप्लाई की तो माइनस कॉस थीटा इज यू नो कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा तो कॉस 180 माइनस थीटा लिखा. फिर इसका देखा तो 55 डिग्री टू मिनट फिर सब्ट्रैक्ट किया. ये मेथड है सब्ट्रैक्शन का. डोंट फॉरगेट दिस मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड आस्क मी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड सब्ट्रैक्ट कैसे किया तो आई एक्सप्लेन यू. लेकिन इस बार मैंने पूछ लिया कि सब्ट्रैक्ट कैसे किया बताओ. तो ये हो गया 98 एंड नाउ आई विल डू यू नो कल मैंने शाम को भेजा तुम लोगों को फोटो खींच के दैट आई विल डू. और ऑल रिमेनिंग प्रॉब्लम जिसको चैंपियन बनना है मैं कुछ ज्यादा बड़ा होमवर्क नहीं देता हूं. जो सॉल्व्ड प्रॉब्लम है उसको हाइड द सॉल्यूशन ट्राई. जो अपने नोट्स के अंदर एक्स्ट्रा सॉल्व प्रॉब्लम जो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं गो ऑन ट्राइंग दोस प्रॉब्लम. नहीं आता फिर सॉल्यूशन देखो. सॉल्यूशन देख के भी समझ में नहीं आता कॉल मी अप सर मेरे को ये नहीं आ रहा ये वाला प्रॉब्लम आई है सर देखिए बुक में आई हेल्प यू बट देन इनिशिएटिव विल बी फ्रॉम योर साइड. ओके इसके बाद सबसे पहले हम लोग देखेंगे कल जो मैंने भेजा था नोट्स. व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो. व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो. बहुत इजी पहले तो ध्यान रखो देयर इज सर्टेन वेलोसिटी व्हिच कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी नॉट क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट ना. नाउ इफ लिक्विड फ्लोस एक लिक्विड बह रही है धीरे धीरे सच दैट इट्स वेलोसिटी इज लेस देन सर्टेन वैल्यू कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी देन फ्लो इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो. इफ वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी देन इट इज कॉल्ड टर्बिंग. एकदम सिंपल. What is critical velocity? Don't worry, it differs from liquid to liquid. अगर एक लिक्विड फ्लो हो रही है और उसकी वेलोसिटी क्रिटिकल से कम तो स्ट्रीमलाइन क्रिटिकल से ज्यादा तो टर्बुलेंट फ्लो. सिंपल. इन दिस केस वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द लिक्विड ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट. वेलोसिटी एट एनी पॉइंट और इधर वेलोसिटी ऑफ लिक्विड कीप चेंजिंग. धमाधम हर जो पार चेंज होती रहती इसके वेलोसिटी टर्बुलेंट फ्लो के टाइम पे. यहाँ पे लिक्विड कैन बी सपोज टू मेड अप ऑफ लेयर्स. लिक्विड